हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज आपके ला रहा हूं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2018 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 8, इसका पार्ट बी। और यहीं पर हम समाप्त भी करेंगे अपनी जो करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, क्योंकि ये सफिशियंट है। जितना मैंने 8 टेस्ट सीरीज ले आया हूँ करंट अफेयर्स की, ये सफिशियंट है आपके लिए। मतलब आपने 8 मॉक टेस्ट लगा लिए करंट से रिलेटेड, तो इतने में से ही आपका आईएएस से इससे बाहर नहीं जाएगा। एक आध क्वेश्चन हो तो कह नहीं सकते, लेकिन इतने में ही उम्मीद ये है कि इसमें से कम 15 या 20 क्वेश्चन इसमें से फंसने चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। देखिए, पहली बात तो ये आईएएस का जो प्रश्न पत्र होता है उसका कोई था नहीं है, मतलब उसका कोई सीमा नहीं होती है। कभी क्या करते हैं, कभी तो 50-50, 60-60 प्रश्न रख देते हैं करंट अफेयर्स के, कभी क्या करते हैं कभी 10 प्रश्न ही रखते हैं। तो उनका कोई वो कहीं कहा नहीं जा सकता है, स्टैटिक पोर्शन इतना रहेगा या डायनामिक इतना रहेगा, सब उनके दिमाग के ऊपर है कब कितना रखते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तैयारी पूरी करके चल रहे हैं। तो आज इसी संदर्भ में मॉक टेस्ट 8 का पार्ट बी है, और इसके बाद अब आपके पास कोई वीडियो नहीं आएगी करंट से रिलेटेड। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसका रीजन क्या है भाई, 2 तारीख का और दिन बचेगा आपके पास। तो 2 तारीख वाले दिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो देखो। 2 तारीख वाले दिन आपको ये करना है कि आप जो शॉर्ट टर्म में जो आपका जो सी सेट वाला पोर्शन है उस पर भी एक बार नजर डाल लीजिए। देखिए, बहुत से लोग क्या है कि जीएस की तैयारी तो बहुत अच्छे से कर लीजिए, सी सेट पढ़ाई नहीं है। लेकिन सी सेट अगर आपका क्रैक नहीं होगा तो फायदा ही क्या है, एग्जाम क्रैक नहीं माना जाएगा। तो 2 तारीख का जो दिन है वो आप ये रट्टा मानने की जगह 2 तारीख को सी सेट की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये है कि आपका पेपर निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो और बने रहिए चैनल के साथ। इसके 3 जून के बाद का जो कार्यक्रम है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो आप कहीं भी नहीं जाइएगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर लाता रहूंगा और बहुत कुछ बताऊंगा। और देखिए, जो ये एग्जाम है 3 जून वाला, आप ये नहीं समझिए यहाँ पर कि ये आपकी जून का मुझे सॉरी आपकी जिंदगी का ये फाइनल एग्जाम है। देखिए दोस्तों, एग्जाम आते हैं जाते रहेंगे, हो सकता है ये आईएएस का एग्जाम ना सही 2019 वाला आपके लिए हो सकता है 2019 वाला आपके लिए ना हो 2020 वाला हो। आप निराश ना होइए, जुड़े रहिए, बस कभी अपने आप को हॉपलेस मत करिए। देखिए, जो अनदीप सेट्टी जी थे उन्होंने तो 4th अटेम्प्ट में क्रैक किया, 4th अटेम्प्ट में टॉपर बने थे यूपीएससी के अभी आके। तो आप इसी तरह से आप भी ये ना सोचिए कि हम पहले अटेम्प्ट हमारा यार खराब हो गया, पता नहीं अब क्या होगा, हमारी तो लाइफ बेकार है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। मैं आपके लिए तमाम विकल्प बताऊंगा और ऐसे ऐसे विकल्प भी बताऊंगा जिसमें आपको बहुत कम मेहनत करनी है और आप वो एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि आप यूपीएससी की तैयारी जरूरी नहीं है कि आप केवल यूपीएससी फोकस करेंगे, छोटी मोटी नौकरी भी कर लें, उसके अलावा अगर आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो भी चल जाएगा। अनदीप सेट्टी ने यही किया था, वो खुद एक एक्साइज कमिश्नर से शायद, हाँ एक्साइज ड्यूटी कमिश्नर थे, और एग्जाम क्रैक किया था। तो आप लोग भी निराश ना हो, अगर छोटी मोटी कहीं नौकरी मिल जाती है जरूर नौकरी कर लें भाई, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप बिना कमाए कुछ आप जिंदगी भर इसमें डेडिकेट कर दें। देखिए, इसके लिए कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से रिसोर्स जुटाने पड़ेंगे, और कब तक आप अपने घर वालों से लेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट भी होना पड़ेगा आपको। देखिए, ये समस्या मेरे साथ भी आई, अन्य लोगों के साथ भी आ रही है, सभी के साथ आती है समस्या। तो कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट बनिए, कभी एकदम यही मत सोचे चलिए कि हाँ यूपीएससी हमारा भाई, जिंदगी हमारी यूपीएससी, हम यूपीएससी के अलावा कुछ जानते ही नहीं है। अगर आप ऐसे करके चलेंगे तो दोस्तों आप यकीन मानिए डिप्रेशन में चले जाएंगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। धीरज बनाए रखिए, धैर्य रखिए, और जो आराम से लगे रहिए। देखिए, आराम से धैर्य बनाए रखेंगे और आराम से लगे रहेंगे तो एक दिन आप जरूर अचीव कर लेंगे, लेकिन आप अगर हड़बड़ी में करेंगे तो आप यूपीएससी कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं आज के हम 51 में प्रश्न पर। 51 है हमारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जो पूछा गया है 51 में से। पहला है, इस योजना के तहत 18 से 80 वर्ष की आयु के लोगों को शामिल किया गया। देखिए, पहला वाला गलत हो गया, इसमें 18 से 60 वर्ष की आयु के लोगों को शामिल किया गया है, ना कि 18 से 80 वर्ष की, तो पहला वाला गलत है। सेकंड है, इस उम्र सीमा के लोगों को जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा है ₹12 प्रतिवर्ष प्रीमियम पर ₹2 लाख तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, यानी कि 12 वर्ष काटे जाएंगे उनके अकाउंट से, इसके बदले में उन्हें 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा दिया जाएगा। तो यहाँ सेकंड वाला सही है, तो आंसर है बी, यानी केवल दूसरा वाला। ठीक है, अब आते हैं 52 पर। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। पहला है, UNFCCC द्वारा विकसित रेड प्लस RED+ विकासशील देशों को वनों की रक्षा के लिए प्रोत्साहन देता है। देखिए, मैंने बताया था रेड प्लस के बारे में, यह जो विकासशील कंट्री है वो वनों की रक्षा के लिए प्रोत्साहन उन्हें करता है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है, रेड प्लस में उन क्षेत्रों को चुना जाता है जहां कार्बन की मात्रा और जैव विविधता दोनों कम होता है। देखिए, सेकंड वाला गलत है, इसमें जरूरी नहीं है उन क्षेत्रों को चुना जाए, बल्कि ऐसे क्षेत्रों को चुना जाता है जहां पे कार्बन की मात्रा ज्यादा है और जैव विविधता भी कम है, क्योंकि वहां पे हमें कार्बन की मात्रा कम करनी है और जैव विविधता को बढ़ाना है, इसके लिए उन क्षेत्रों को भी चुना जाता है। तो सेकंड वाला यहाँ गलत हो गया, यहाँ केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है केवल एक। 53 है, हाल ही में अल वाथावा नामक स्थान पर
प्रधानमंत्री ने पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण का शिलान्यास किया है। यह स्थान निम्न में से किस देश में, देखिए ये अल बाथावा जो है ये पड़ता है आपका संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरेट में, तो यहाँ पे यूएई में, तो यहाँ आंसर है डी 54 है। निम्न में से, निम्न राज्यों में से वन क्षेत्रफल प्रतिशत में का सही अवरोही क्रम है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, असेंडिंग में नहीं बताना, डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में बताना है ये आपको। तो यहाँ पर है पहला है लक्षद्वीप का है सबसे ज्यादा, उसके बाद आता है मिजोरम, फिर उसके बाद आता है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, यानी एक तीन और दो, तो आंसर है बी। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे बी। 55वां है भारत नेपाल सीमा पर प्रस्तावित पंचेश्वर बांध किस नदी से संबंधित है। देखिए भारत नेपाल सीमा पर जो प्रस्तावित पंचेश्वर बांध है ये शारदा नदी जो कि उत्तराखंड में निकलती है इससे संबंधित, तो यह आंसर है डी। 56वां है बांध सुरक्षा पुनर्वास और सुधार योजना डैम सेफ्टी रिहेबिलेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ड्रिप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए इसके बारे में हमें बताना है यहाँ पे कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला है यह परियोजना IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सहायता से भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, ये गलत है, ये IMF के द्वारा नहीं चलाई जा रही है। सेकंड है इसका मुख्य उद्देश्य देश के 7 राज्यों के बांधों का पुनर्वास और सुधार कार्य करना है। देखिए सेकंड वाला यहाँ सही है, जो ड्रिप योजना है इसका उद्देश्य जो है वो 7 राज्यों के बांधों को सही ठीक करना और सुधार कार्य इनमें करना है, तो यहाँ केवल बी वाला सही है, तो आंसर है केवल दूसरा। 57वां है हमारा फ्लाई एस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है इसमें फ्लाई एस ठोस पदार्थों के दहन के कारण उत्पन्न होने वाला एक उप उत्पाद है। देखिए पहला वाला सही है, तो फ्लाई एस है ये ठोस पदार्थ होते हैं इनके दहन के कारण ये उत्पन्न होने वाला एक उप उत्पाद होता है, तो पहला वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो 57 का है ए। 58 का है हमारा इसमें से बताना है कौन सा कथन युग्म असत्य है, कौन से कथन या असत्य है यहाँ पे बताना है। राग और गाय जाने का समय पहला है राग दरबारी, देखिए पहला इसमें देर रात तक ही गलत है, राग दरबारी दिन में गाया जाता है ना कि देर रात तक। सेकंड है राग भैरवी गाया जाता है शाम के वक्त, और राग यमन गाया जाता है प्रातःकाल में, यानी कि दूसरा तीसरा यहाँ पे सही है, तो यहाँ आंसर है सी यानी केवल 2 और 3। 59 पर आते हैं बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में कौन से कथन सही है। पहला है यह कन्वेंशन विकासशील देशों के मध्य होने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थों सहित सभी खतरनाक अपशिष्टों के स्थानांतरण पर नियंत्रण लगाता है, यानी देखिए पहला वाला गलत है, ये विकासशील नहीं बल्कि विकसित देशों के मध्य भी होता है। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। सेकंड है वर्ष 1989 में अपनाई गई UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का एक सहभागी कार्यक्रम है, ये बिल्कुल सही है सेकंड वाला, तो यहाँ आंसर है बी यानी केवल दूसरा वाला। 60 है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के संदर्भ में कौन से कथन सही है ये हमें बताने हैं यहाँ पे 60 में। पहला है UNEP यूनेप का गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप हुआ, ये बिल्कुल सही है, यूनेप का जो गठन हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई जो कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप हुआ है। सेकंड है इसका मुख्यालय नैरोबी में, ये भी बिल्कुल सही है, इसका मुख्यालय नैरोबी में। तीसरा है पर्यावरण से संबंधित प्रयासों के लिए इस संस्था द्वारा ग्लोबल 500 पुरस्कार भी दिया जाता है, देखिए तीनों ही यहाँ पे सही है, तो आंसर है डी यानी 1, 2 और 3। 61वां है हाल ही में 15वीं भारतीय वन रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए हाल ही में 15वीं वन रिपोर्ट जो जारी की गई है इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। पहला है पहला यहाँ पे है देश में मैंगो वनस्पति के क्षेत्र में वर्ष 2015 के आकलन की तुलना में कमी हुई है, ये बिल्कुल सही है, जो मैंग्रोव वनस्पति है यानी कोस्टल एरिया पाई जाती है इसमें 2015 के आकलन के अनुसार यहाँ कमी आई है। सेकंड है इस रिपोर्ट के मुताबिक वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में से एक है, ये गलत है, भारत दुनिया 10 शीर्ष देशों में नहीं है। तीसरा है देश के साथ मात्र 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का 33% भूभाग वनों से घिरा है, देखिए तीसरा वाला है सही है, तो आंसर होगा बी यानी 1 और 3 है, देश के 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% पूरे भूमि जो हमारी है उसका 33% भाग वनों से घिरा है, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ आंसर है बी यानी केवल 1 और 3। 62वां है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। देखिए सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो आपका है मध्य प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ आंसर है ए। अब आते हैं हम 63वां प्रश्न पर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 में भारत का 100वां स्थान प्राप्त हुआ है,
इस सूचकांक में राष्ट्रों को दी गई श्रेणियां निम्न में से किन सूचकांकों पर आधारित होती हैं? देखिए, इनमें से जो श्रेणियां जो दी जाती हैं श्रेणियां, वो निम्न में से किन के सूचकांकों पर आधारित होती हैं? देखिए, संपत्ति नामांकन, सीमा पर पार व्यापार, करों का भुगतान और निवेशकों को संरक्षण, ये इन सभी इज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन सभी को मानकों को ध्यान में रखा जाता है। तो यह आंसर है डी, यानी 1, 2, 3 और 4। 64वां है कुसुम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? देख, किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना है ये, और सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग शुरू की गई है, ये बता दे रहा हूँ मैं यहाँ। तो ये संबंधित है, पहला ही है इसका, किसानों द्वारा सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने से, कुसुम योजना। तो पहला वाला यहाँ सही है, 64 का ये। 65वां है निम्न में से कौन से युग्म सही है, कौन से सही सुमिलित है, युग्म कौन कौन से सही है, इनमें कौन सी भाषा जोड़ी गई है। देखिए, ये कुछ इस तरह के प्रश्न जो आ जाते हैं, बड़े टिपिकल होते हैं करने, थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है ये, क्योंकि इसमें रट्टा वाला सिस्टम होता है, रट्टा नहीं किया हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे, रट्टा किया हुआ तो कर लेंगे। देखिए, पहला 21वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई, पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है 72वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें बोडो जोड़ी गई, देखिए सेकंड वाला गलत है, 72 में से नहीं जोड़ी गई थी बोडो। तीसरा है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, इससे जोड़ी गई मैथिली। देखिए, तीसरा पहला तीसरा यहाँ सही है, तो आंसर है बी, यानी केवल 1 और 3। 66वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक निम्न में से किन कारकों के आधार पर जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो मानव विकास सूचकांक है, निम्न में से किन के कारकों के आधार पर जारी किया जाता है, ये आपको बताना है यहाँ पे। पहला है जनसंख्या, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। देखिए, जो संयुक्त यूएन जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, ये जारी करता है शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय पर। ठीक है, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रतिवक्त आय पर, यानी कि आंसर है सी, केवल 2, 3 और 4 पर। 67वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा चमन परियोजना का मुख्य उद्देश्य है? चमन परियोजना का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? पहला ही है इसमें किसानों की आय में वृद्धि करना है, ये चमन परियोजना का उद्देश्य है, मतलब किसानों की आय को 2022 तक डबल करना है, इसके लिए चमन परियोजना चलाई गई है। तो यह आंसर है ए। 68वां है भारतरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित में से किन मानदंड या किन मानदंडों का होना आवश्यक है? ये प्रश्न भी मैं करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, शायद आ भी गया था, रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, ये वाला। देखिए, पहला है पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत सालाना कारोबार ₹25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, पहला वाला बिल्कुल सही है, और नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, और तीसरा है देश के अलावा कंपनी का कारोबार विदेश में भी होना चाहिए, ये तीनों ही सही है, यानी कि भारतरत्न कंपनी होने के लिए तीनों ही मानदंड होने चाहिए। तो यह आंसर है डी, यानी 1, 2 और 3। 69 है स्तूप जो बौद्ध वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं कि किस भाग पर बुद्ध या उनके किसी शिष्य के अवशेष रखे हैं? देखिए, जो स्तूप में उनके जो अवशेष रखे जाते हैं स्तूप के अंदर बुद्ध के या बुद्ध के कोई शिष्य होते हैं उनके, तो ये रखे जाते हैं हार्मिका पर, हार्मिका जो भाग होता है हार्मिका उस पर रखे जाते हैं। तो यह आंसर है ए। 70वां है गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला में के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये बताना है आपको यहाँ पे। पहला है मंदिर निर्माण की व्यवस्थित शुरुआत गुप्त काल से मानी जाती है, बिल्कुल सही है, मंदिर निर्माण की जो व्यवस्थित शुरुआत हुई है वो गुप्त काल से ही हुई है। सेकंड है इसमें मंदिरों का निर्माण केवल पत्थरों से ही हुआ है, देखिए सेकंड वाला गलत है, इसमें मंदिरों का निर्माण केवल पत्थरों से ही नहीं हुआ है, अपितु पत्थरों के अलावा जो गुफाओं को वगैरह को काट के और क्या बोलते हैं और जो ईंटें वगैरह इनसे भी निर्माण यहाँ पे हुआ, सेकंड वाला गलत है। तीसरा है मंदिर की छत प्राय समतल होती थी, ये तीसरा वाला सही है, यहाँ पे मंदिरों की छत जो होती समतल होती थी, यानी कि यहाँ बी वाला सही है, केवल 1 और 3। 71 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। पहला है राजपूत शैली, राजपूत शैली मुख्यतः आध्यात्मिक और धार्मिक चरित्र की चित्रकला शैली है, पहला वाला बिल्कुल सही है, राजपूत शैली है वो मुख्यतः आध्यात्मिक और धार्मिक चरित्र की चित्रकला शैली है। सेकंड है मुगल चित्रकला में व्यक्ति, पेड़ पौधे, ऊंट और बाघ बाज आदि के चित्र की प्रधानता रही है, यानी मुगल चित्रकला में जो व्यक्ति है इसमें व्यक्ति, पेड़ पौधे, ऊंट और बाज आदि के चित्र की प्रधानता रही है, यानी कि यहाँ दोनों ही सही है। तो आंसर है सी, यानी 1 और 2 दोनों। 72वां है कावेरी नदी निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये निकलती है कर्नाटक में कुर्ग की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी, पहले तो ये जान लेते हैं। और इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल और पौंडचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पौंडचेरी, इन जिलों में अपना इन राज्यों को अपना जल प्रदान करती है, सबसे ज्यादा प्रदान करती है तमिलनाडु को, फिर कर्नाटक, फिर केरल और फिर पौंडचेरी। ठीक है, तो यह आंसर है बी। 73 है हाल ही में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2017 की रिपोर्ट
जारी की गई है। इस सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कदम सत्य है? पहला है, इस सूचकांक में भारत फिसलकर 42वें स्थान पर पहुंच गया। ये बिल्कुल सही है कि जो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2017 की रिपोर्ट में भारत फिसलकर 42वें स्थान पर पहुंच गया है, पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है, यह रिपोर्ट ब्रिटिश संस्था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी की गई है, यह भी बिल्कुल सही है। यह संस्था जो है, यह रिपोर्ट जो है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की गई है, दूसरा वाला भी सही है। दोस्तों यह आंसर ऐसी यानी एक और दो दोनों ही सही है। 74 है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे बताना है कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, ठीक है। पहला है, वर्ष 2016 में इस योजना के लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने की मंजूरी दी गई है, ये बिल्कुल सही है। जो 2016 में प्रारंभ की गई योजना है, इसके लक्ष्य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने की मंजूरी दी गई, तो पहला वाला सही है। सेकंड है, इसके उद्देश्यों में से एक बच्चों और महिलाओं में अशुद्ध ईंधन के कारण होने वाले रोगों में कमी लाना भी है, ये भी बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो बच्चों और महिलाओं में जो रोग हो रहे हैं अशुद्ध ईंधन के पर खाना पकाने के कारण, तो इसमें भी इनमें कमी करनी है, इसके लिए इस योजना को लाया जा रहा है, तो लाया गया है। तो यहाँ दोनों ही सही है, देखिए इसमें से असत्य कोई नहीं है, तो यह आंसर होगा डी, ना तो एक और ना ही दो। 75वां है, ग्रीन इंडिया मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, देश के 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में फैले वनों की गुणवत्ता सुधारने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है, ये बिल्कुल सही है। यानी देश का 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि क्षेत्र है, इसमें फैले वनों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई, तो पहला वाला यहाँ बिल्कुल सही है। सेकंड है, इस मिशन के अंतर्गत 50 लाख हेक्टेयर भूमि के वातावरण का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि इस मिशन के अंतर्गत जो है ग्रीन इंडिया मिशन में 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर हमें पौधे लगाने हैं, वन लगाने हैं, तो ये भी लक्ष्य रखा गया है, तो यहाँ दोनों ही सही है। तो यहाँ आंसर ऐसी यानी एक और दो दोनों। अब आते हैं 76 पर, यह भी अच्छा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए ये तो शायद आप कर ही लेंगे, ये बहुत ही सिंपल होगा। पहला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल के आदेश से हटाया जा सकता है, ये पहला वाला गलत है। इसे राज्यपाल के से नहीं बल्कि इसे राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है, तो पहला वाला गलत हो गया। सेकंड है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 न्यायाधीश के निलंबन की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, ये बिल्कुल सही है। न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत ही हमारे आर्टिकल 124 के भाग 4 में इम्पीचमेंट के प्रोसेस लिखा गया है, ठीक है। तो यहां पे दूसरा वाला सही है, तो आंसर है बी। 77 है, हाल ही में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए जारी क्रिसिडेक्स इंडेक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कौन सा कथन सही है क्रिसिडेक्स इंडेक्स के बारे में, ये बताना है आपको। पहला है, यह इंडेक्स क्रिसिल और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सम्मिश्रित इंडेक्स है, ये बिल्कुल सही है। ये जो इंडेक्स है क्रिसिल और सिडबी जो दो संस्थाएं हैं, ये संयुक्त रूप से इसे जारी करती हैं, सम्मिलित रूप से इस इंडेक्स को, तो पहला वाला यह सही है। सेकंड है, इसे 8 अलग अलग सूचकांकों को मिलाकर तैयार किया गया है, देखिए सेकंड वाला भी सही है, इसमें 8 अलग अलग सूचकांकों को मिलाकर इसे तैयार किया गया है, सेकंड वाला भी सही है। तीसरा है, यह लघु एवं मध्यम उद्योगों के बारे में व्यापारिक सूचक को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है, देखिए तीसरा वाला ये गलत है, यह लघु एवं मध्यम पैमाने के मध्यम उद्योगों के बारे में व्यापारिक सूचक को 0 से 100 के पैमाने पर नहीं मापता है, तो ये तीसरा वाला गलत हो गया, पहला दूसरा सही है, तो आंसर है बी, यानी केवल एक और दो। 78 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये जूट उद्योग के संदर्भ में पूछा है, यहाँ पे बता रहा है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला है, जूट के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला वाला गलत हो जाएगा। बी है, भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट निर्यातक देश है, ये भी गलत है। भारत का प्रथम जूट कारखाना टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, ठीक है, जो टीटागढ़ है वो असम में पड़ता है, ना कि वेस्ट बंगाल में, ये गलत हो जाएगा। डी है, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार देश में दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य है, देखिए डी सही है यहाँ पे, यानी कि सबसे ज्यादा जो भारत में उत्पादन होता है वो होता है वेस्ट बंगाल से, उसके बाद बिहार से सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है, तो यहाँ पे डी वाला सही है, तो आंसर है डी। 79 है, नाबार्ड संशोधन विधेयक 2017 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऐसे बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला है, इस बिल में नाबार्ड अधिनियम 1981 के तहत अधिकृत पूंजी को ₹30,000 करोड़ करने का प्रावधान किया गया है, ये बिल्कुल सही है। इस बिल में जो नाबार्ड अधिनियम है 1981 के तहत जो अधिकृत पूंजी है इसे 30,000 करोड़ करने का प्रावधान किया गया, पहला वाला यहाँ पे सही है। सेकंड है, नाबार्ड में केंद्र सरकार की न्यूनतम हिस्सेदारी 51% निर्धारित की गई है, देखिए ये भी सही है कि नाबार्ड में जो केंद्र सरकार की न्यूनतम हिस्सेदारी है 51% रखी गई है। तीसरा है, इस विधेयक में नाबार्ड द्वारा सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को भी ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा जो सूक्ष्म और मध्यम उद्योग हैं इन्हें भी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों यहाँ पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं, तो आंसर है डी, यानी एक दो और तीन। 80वां प्रश्न है हमारा, मोहिनी अट्टम
नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, मोहिनीअट्टम जो नृत्य है इसके बारे में यहाँ पे कौन सा कथन जो गलत है। पहला है ये महिलाएं इसका एकल प्रदर्शन करती हैं, यानी कि सोलो नृत्य एक तरह से ये, पहला वाला बिल्कुल सही है। इसमें भरतनाट्यम एवं कथकली दोनों का अंश है, ये भी बिल्कुल सही है। और सी है, यह तमिल संस्कृत का एकल नृत्य है, ये देखिए सी गलत है, यह तमिल का नहीं है बल्कि मलयालम यानी केरल राज्य का नृत्य है मोहिनीअट्टम, तो यहाँ पे सी वाला गलत है। 81 है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला एलोरा की गुफाओं में कैलाश, लंकेश्वर, इंद्रसभा और गणेश के चित्र दीवारों पर मिलते हैं। देखिए पहला वाला यहाँ जो है, यहाँ पे पहला वाला ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, कि यहाँ पे एलोरा की गुफाओं में कैलाश, लंकेश्वर, इंद्रसभा और गणेश के चित्र दीवारों पर मिलते हैं। सेकेंड है बाघ की गुफा अजंता की तुलना में अधिक सांसारिक और मानवीय है, ये भी बिल्कुल सही है। एलोरा जो महाराष्ट्र में पड़ती गुफाएं हैं, यहाँ पे बाघ की गुफा है और ये अजंता की तुलना में अधिक सांसारिक और मानवीय लगती है, यहाँ दोनों ही सही है, तो यहाँ आंसर है सी यानी कि एक और दो दोनों। पहला है यहाँ 82 है, निम्न में से कौन से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्रमुख प्रत्यक्ष कर है, यानी कि निम्न में से कौन से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने प्रमुख कर प्रत्यक्ष कर है, कौन कौन से प्रत्यक्ष कर जो होते हैं केंद्र सरकार लगाती है। संपत्ति कर, सेवा कर, निगम कर और बिक्री कर। देखिए निगम कर जो होता है राज्य के द्वारा लगाया जाता है, और बिक्री कर होता है वो सेल टैक्स, इसमें भी राज्य का हाथ होता है। संपत्ति कर और सेवा कर इसमें केंद्र का हाथ होता है, तो यहाँ आंसर है ए यानी केवल एक और दो ये केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं। 83 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे कौन सा कथन सही है। इसमें पहला है आरबीआई के पास जिस दर पर बैंक अपनी अतिरिक्त तरलता सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण के रूप में देते हैं वह दर रेपो दर कहलाती है। देखिए पहला वाला गलत हो जाएगा, ये रिवर्स रेपो दर की परिभाषा है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिवर्स कर दिया गया है क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए रिवर्स कर दिया गया है स्टेटमेंट दोनों। और सेकंड है रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिनों में वापसी की शर्त के आधार पर बैंकों को दिए जाने वाले ऋण की दर रिवर्स रेपो दर कहलाती है। देखिए सेकंड वाला जो है रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिनों में वापसी की शर्त के आधार पर बैंकों को दिए जाने वाले ऋण की दर ये कहलाती है रेपो दर, और ऊपर वाली कहलाती है रिवर्स रेपो दर। यहाँ पे उल्टा व्युत्क्रम कर देते हैं, मतलब मैंने काफी सारे प्रश्नों में ये पाया है, ये लोग क्या करते हैं, ये जहां से जिस कोचिंग के मैंने लिए नोट्स ये व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी पहले वाले का जो स्टेटमेंट है इसमें सेकंड वाला लगा दिया, सेकंड वाले में पहला वाला लगा दिया, तो दोस्तों यहाँ दोनों ही गलत हैं, तो यहाँ आंसर होगा डी, ना तो एक और ना ही दो। 84 है, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे कौन सी कथन सत्य है। पहला है उत्पादन में इकाई वृद्धि के लिए पूंजी में वांछित वृद्धि के आनुपातिक मूल्य को वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात यानी ICOR कहते हैं, ये पहला वाला बिल्कुल सही है। ये उत्पादन में इकाई वृद्धि के लिए जो पूंजी में वांछित वृद्धि के जो आनुपातिक मूल्य को वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात कहते हैं, तो ये पहला वाला यहाँ सही है। सेकेंड है ICOR का उच्चतम मूल्य निवेश की उच्चतम उत्पादकता का सूचक होता है। देखिए सेकंड वाला गलत है, ICOR का जो उच्चतम मूल्य है यह निवेश की उच्चतम उत्पादकता का सूचक नहीं होता है, तो सेकंड वाला गलत है, केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है केवल एक। 85 है, भारत में नई आर्थिक नीति 1990-91 अपनाने के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार है। देखिए ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और काफी अच्छा है। पहला है इसमें भारत शेष की अनुकूलन स्थिति, भारत शेष की अनुकूल स्थिति भुगतान सॉरी भुगतान सॉरी भुगतान शेष की अनुकूल स्थिति, ये पहला वाला गलत है, या भुगतान शेष की अनुकूल स्थिति ये एक कंडीशन नहीं थी नई आर्थिक नीति लाने की। सेकंड है सरकार के राजकोषीय घाटे में अत्यधिक वृद्धि हो रही थी, इसकी वजह से नई आर्थिक नीति लेके आए, पेट्रोल की कर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, ये भी कारण था। और सार्वजनिक उद्योगों का खराब प्रदर्शन, यानी कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन जो उद्योग थे PSU जो थे वो सही से अपना प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, वो सही से अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे थे, ये तीन जो चीज थे ये मेन थे, तो यहाँ आंसर है बी यानी केवल 2, 3 और 4 सही है, पहला वाला नहीं है। 86 है, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला तो यहाँ पे यही है कि यह एक सामाजिक संस्था है यानी स्टेचुरी बॉडी है, पहला वाला बिल्कुल सही है स्टेचुरी बॉडी है। सेकंड है इसके द्वारा म्यूचुअल फंड के सामूहिक निवेश की योजनाओं को नियमित एवं पंजीकृत किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, इसके द्वारा जो होता है म्यूचुअल फंड की जो सामूहिक इन्वेस्टमेंट की योजना जो होती है इन्हें नियमित और पंजीकृत किया जाता है। तीसरा है शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार इसी संस्था के पास है, यानी शेयर बाजार को जो मान्यता प्रदान की जाती है वो सेबी के द्वारा की जाती है। देखिए तीनों ही सही है, तो यहाँ आंसर होगा डी यानी 86 का है डी, 1, 2 और 3। 87 है जनाद्रिया किस देश का प्रसिद्ध वार्षिक राष्ट्रीय विरासत और सांस्कृतिक महोत्सव है। जनाद्रिया
किस देश का प्रसिद्ध वार्षिक राष्ट्रीय विरासत और सांस्कृतिक महोत्सव है ये बताना है आपको। ये है सऊदी अरब का जनादरिया जो है सऊदी अरब का राष्ट्रीय विरासत और सांस्कृतिक महोत्सव है। आंसर है यहाँ सी 88 है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। देखिए ये बड़ा ही सिंपल प्रश्न है और बहुत अच्छा भी है। इसमें विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी कि नेशनल वेटलैंड जो बर्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 2 फरवरी को यानी 1/4 है। कैंसर दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है आपका वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। यानी कि 1/4, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। आंसर है ए 89 है। निशांत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा कथन सही है? पहला है यह एक पायलट रहित विमान है, ये बिल्कुल सही है, पायलट रहित विमान है निशांत जी वो है। सेकंड है इसका उपयोग लोकलाइजेशन एवं आर्टिलरी फायर करेक्शन के लिए भी किया जाता है। देखिए जो इसका उपयोग है ये एक तो लोग जो लोकेशन के लिए किया जाएगा और आर्टिलरी फायर करेक्शन के लिए नहीं किया जाएगा बल्कि इसे टारगेट को फाइंड आउट करने या फिर एक तरह से जासूसी करने के उपयोग में किया जाएगा। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, पीएल पहला वाला सही है। तो आंसर है केवल एक। 90 में आए, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है या बताना है 90 में। पहला है रोहिणी मध्यम रेंज का त्रिविमीय 3D निगरानी वाला रडार है, ये बिल्कुल सही है। जो रोहिणी है ये मध्यम रेंज का 3D रडार है, पहला वाला यहाँ सही है। सेकंड है अश्लेषा एक पायलट रहित विमान है, ये कि सेकंड वाला गलत है, अश्लेषा कोई विमान नहीं है। तो यहाँ पे पहला वाला सही है, तो केवल आंसर है केवल एक। 91 है प्रहार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कौन सा कथन सही है प्रहार के बारे में बताना है आपको? यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। सेकंड है इसका प्रोपेलर ठोस एवं इसकी सटीकता 20 मीटर तक होती है, देखिए ये भी सही है। इसका प्रोपेलर जो होता है यानी कि जो इसके अंदर जो ठोस ईंधन भरा जाता है, प्रोपेलर का मतलब होता है ठोस ईंधन, और इसकी सटीकता जो होती है 20 मीटर तक होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है 200 किलोग्राम का पेलोड ले जाने की क्षमता रखने वाली इस मिसाइल का रिएक्शन टाइम काफी कम है, ये मतलब तुरंत इमीडिएट एक्शन लेती है ये भी सही है। तो यहाँ आंसर है डी 1, 2 और 3। 92 है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके बारे में हमें बताना है। यह एक गैर लाभकारी संगठन है, गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, ये बिल्कुल सही है। एंड सेकंड है यहाँ पे 1971 में स्थापित इस संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, देखिए सेकंड वाला गलत है। इसका जो मुख्यालय है वो कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है, कोलोगनी एक जगह है, कोलोगनी एक छोटा सा शहर है और उस स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है ये। तो यहाँ सेकंड वाला गलत हो गया, पहला वाला सही केवल, तो आंसर है केवल एक। 93 है निम्न में कथनों पर विचार कीजिए कौन से कथन यहाँ सही है 93 में, ये बताना है आपको। पहला है राउंड ट्रिपिंग शब्द का प्रयोग काले धन और वैध बनाने के संदर्भ में किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। राउंड ट्रिपिंग शब्द का प्रयोग होता है काले धन को जो वाइट बनाते हैं उसके संदर्भ में किया जाता है, पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड है चिट फंड एक प्रकार की बचत योजना है जिसे एक व्यक्ति या संस्था द्वारा चलाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही। चिट फंड एक प्रकार की बचत योजना होती है जिसे किसी व्यक्ति के द्वारा या संस्था द्वारा चलाया जाता है। देखिए चिट फंड को बेसिकली चीट फंड भी कहते हैं यानी धोखा देने वाला फंड, क्योंकि इस तरह की संस्थाएं होती हैं अमूमन क्या होता है ये रुपए लेके भाग जाती हैं ये संस्थाएं, तो इन पर जो है नियंत्रण भी सरकार का ज्यादा नहीं है। इसके लिए सरकार ने चिट फंड अधिनियम 2018 में पेश किया है, इसके तहत कुछ संशोधन भी किए हैं कुछ पुराने चिटफंड अधिनियम उनमें, तो इसके तहत इसे जटिल बनाया गया है इस प्रक्रिया को ताकि ये लोग रुपए लेके ना भाग सकें। तो दोस्तों यहाँ दोनों ही सही हैं, तो यहाँ आंसर है सी यानी 1 और 2 दोनों। निम्न कथनों पे विचार कीजिए, यहाँ पे दोनों यहाँ पे बता रहे हैं कौन से कथन सही है। पहला है खजुराहो मंदिर समूह शैव वैष्णव एवं जैन धर्म से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। खजुराहो मंदिर है ये समूह शैव और वैष्णव एवं जैन धर्म से संबंधित है। सेकंड है उरुसृंग व अंतराल बुंदेलखंड स्थापत्य की विशेषता है, यानी उरुसृंग और अंतराल जो है वो बुंदेलखंड स्थापत्य कला की विशेषता है। तो सेकंड पहला दूसरा दोनों ही सही है यहाँ पे, तो आंसर हो गया सी यानी 1 और 2 दोनों। 95 है कोणार्क के सूर्य मंदिर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, मतलब कौन सा कथन कोणार्क के सूर्य मंदिर के संदर्भ में सही है। पहला है इसे 13वीं सदी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, देखिए यहाँ पहला वाला सही है, इसे 13वीं सदी में जो गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने बनवाया था। और सेकंड है यह मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, देखिए ये गलत है, यह मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है ना कि आंध्र प्रदेश में, तो सेकंड वाला गलत है या पहला वाला सही है कि, तो आंसर है केवल एक। अब 96 पर आते हैं, निम्न में से कौन से कथन असत्य है या असत्य बताना है यहाँ पे 96 में। पहला है आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है,
और इसे संचालित करने हेतु संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता होती है। देखिए पहला वाला जो है गलत है, आकस्मिकता जो निधि होती है राष्ट्रपति अधिकार में रहती है, लेकिन इसे संचालित करने के लिए संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि राष्ट्रपति इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। राष्ट्रपति चाहे तो निकाल सकता है, ना चाहे तो नहीं निकलेगी। पहला वाला गलत हो गया। सेकेंड है, भारत की लोक लेखा खाते से धन निकालने के लिए संसद को मंजूरी लेना आवश्यक नहीं होती है। भारत का जो लोक लेखा खाता है इससे धन निकालने के लिए संसद को संसद से जो धन निकालने की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती। ये सेकंड वाला यहाँ सही है। तो आंसर है केवल सॉरी यहाँ सेकंड सही है, तो आंसर है केवल एक, पहला वाला गलत है। है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। FRBM 2003 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताना है। पहला है यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य राजकोषीय एवं राजस्व घाटे को कम करने हेतु पर्याप्त कदम उठाने के लिए सरकार को प्रेरित करना है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है कर्नाटक FRBM नियमावली को लागू करने वाला पहला राज्य है, ये दोनों ही सही है। तो यहाँ आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। 98 है हमारा, ये काफी अच्छा प्रश्न है सोवरेन गोल्ड वाला और चर्चा में भी रहा है। पहला सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है इस बॉन्ड को भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इस बॉन्ड को जो है भारत सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। सेकेंड है यह बॉन्ड डीमेट और पेपर दोनों रूप में उपलब्ध होता है, यानी कि यह बॉन्ड जो होता है वो डीमेट और पेपर दोनों रूपों में उपलब्ध होता है, ये सेकंड वाला भी सही है। तीसरा है इनमें निवेशित पूंजी और प्राप्त ब्याज दोनों पर सॉवरेन गारंटी होगी, यानी कि इसमें जो निवेशित पूंजी है और जो प्राप्त ब्याज प्राप्त हो रहा है इन दोनों पर सॉवरेन गारंटी होगी। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, तो आंसर है डी, यानी एक दो और तीन। 99 है विभिन्न आय वर्गों के करदाताओं के लिए कर की दर एक समान हो तो ऐसी कर प्रणाली को क्या कहते हैं, यानी विभिन्न आय वर्ग के करदाताओं के लिए कर की दर एक समान है तो ऐसी कर प्रणाली को क्या कहते हैं, ये बताना है यहाँ पे। पहला है प्रतिगामी कर प्रणाली, आनुपातिक कर प्रणाली और पकतशील कर प्रणाली और प्रत्यक्ष कर प्रणाली, इसमें से किसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आनुपातिक कर प्रणाली, यानी विभिन्न आय वर्ग के करदाताओं के लिए कर की दर एक समान हो तो ऐसी प्रणाली को आनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। तो यहाँ 99 का है बी। 100 है दर्शन और प्रवर्तक, देखिए ये काफी अच्छा प्रश्न है, हिस्ट्री से लिया गया है यहाँ पे। इसमें सांख्य दर्शन दिया है कपिल मुनि ने, योग दर्शन दिया है पतंजलि ने, ठीक है, न्याय दर्शन दिया है गौतम ने और वैशेषिक ये दिया है महर्षि कर्णादि ने। तो दोस्तों ये आंसर होगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर पसंद आया लाइक कीजिए, ना पसंद आया डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक की क्या कमेंट हो जरूर बताइए और चीज़ों को आप शेयर भी करते रहिए। और दोस्तों मैं मानता हूँ आज मुझे कमेंट में कुछ मैंने कमेंट देखे कि कहीं ना कहीं एक आध प्रश्न में क्या होता है दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते मेरा खुद माइंड कन्फ्यूज हो जाता है, जब ज़्यादा लोड होता है या ज़्यादा बर्डन होता है तो कहीं ना कहीं कितना भी अच्छे से अच्छा टीचर सही कहीं ना कहीं एक आध बार मिस्टेक कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के मुझे आता नहीं है या मैं जानबूझ के गलत करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बाय द वे मिस्टेक हो जाती है, आप कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिए तो जिससे कि मैं सुधार कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है मैं अपनी गलती मानता नहीं हूँ, गलती तुरंत मानता हूँ। दर्पण जी ने कहा था मुझसे सर आपने ये प्रश्न गलत बताया है, तो मैंने उसका तुरंत समाधान किया था। इसी तरह से कोई भी प्रश्न अगर लगता है मेरे मुझसे गलत हुआ है तो आप या तो उसका समाधान खुद ही बता दीजिए वहाँ पे, और आप नहीं बता देंगे तो आप कमेंट में बता दीजिए सर इसका समाधान सही बता दीजिए, बताइए आपने गलत बताया है तो मैं समाधान को ढूंढ के बताऊंगा। देखिए गलतियां तो होती हैं, कोई भी इंसान इस धरती पर परफेक्ट नहीं है सिवाय भगवान के। जो इंसान है मानव से गलतियां होती हैं, मनुष्य कहते नहीं है, मनुष्य एक गलतियों की एक प्रतिमूर्ति है, यानी कि गलतियों का एक पुतला है, ये गलतियां ही करता है मनुष्य। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान परफेक्ट हो, सभी गलतियां करते हैं और सभी को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। मैं भी अपनी गलतियों से सीखता हूँ, ऐसा नहीं है गलतियां करने के बाद मैं सीखता नहीं हूँ, जरूर सीखता हूँ उनसे और डीपली उस चीज के बारे में पढ़ता हूँ कि मैंने कहाँ गलती की। ऐसी गलती मुझसे जो मॉक टेस्ट नंबर 6 का 26 जो क्वेश्चन है उसमें हो गई थी पंचायती राज के बारे में, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, करेक्शन कर लीजिए। पंचायती राज को 9th शेड्यूल में रखा गया है, पंचायती राज को 9th शेड्यूल सॉरी फिर बोलता बोल रहा हूँ मैं 11th में रखा गया है, ना कि 9th में रखा गया है। हाँ मैं बोल गया था 9th शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है, तो 9th में नहीं रखा गया है, इसे रखा गया है 11th शेड्यूल में, ये आपको याद रखना है। तो आप कंफ्यूज अगर ऐसी कोई थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं तुरंत एक्सेप्ट भी करता हूँ और अन लोगों से भी बोलता हूँ आप करेक्शन कर लीजिए इस चीज को अपने माइंड में। तो दोस्तों आज ये हमारा आखिरी लेक्चर है करंट अफेयर्स रिलेटेड, इसके बाद लगभग कुछ दिनों का मैं ब्रेक लूंगा और आगे का कार्यक्रम मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए आप अगर ये वाला एग्जाम अगर आपका सॉल्व कल 2 तारीख का दिन मैं क्यों दे रहा हूँ, खाली 2 तारीख का दिन मैं इसलिए खाली दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ
कि मैं ये एग्जाम दे सकूं या मेरा फाइट हो सके, तो आप एग्जाम बिल्कुल ना दें, मेरी यही सलाह है। क्योंकि अटेम्प्ट बेकार करने से कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपके पास एज नहीं है, एज आपकी अगर निकल गई है तो अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त एज है और तैयारी आपने पूर्ण नहीं है तो भी आप एग्जाम ना दें। कम से कम आपके जब तक 1 साल से कम तैयारी इसके लिए नहीं होनी चाहिए, यानी 1 साल की तैयारी अगर आपके पास है 1 ईयर की, तभी आप एग्जाम में बैठें, वरना आपके लिए बैठना बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है। अगर 1 साल की से कम की तैयारी है तो मैं उसके तरीके बताऊंगा। अभी काफ़ी सारी वैकेंसी आई हैं जिसमें वो तैयारी आप यहाँ पर लगा सकते हैं और आप वो एग्जाम फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी ना जाइएगा, मैं 3 तारीख के बाद खुद बताऊंगा आपको करना क्या क्या नहीं करना है। मैं आईएएस का भी चलाऊंगा, इसके अलावा यूपी पीसीएस की भी वैकेंसी आने वाली है और 19 अगस्त 2018 को इसका पेपर होगा, प्रीलिम्स का। ये कैलेंडर आ गया है यूपी पीसीएस का, तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो हम यूपी पीसीएस की भी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि हाल में अब यही हमारे निकट पड़ रहा है यूपी पीसीएस, इसकी भी हम रणनीति बनाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं यूपीसी बिलोंग करता हूँ तो मेरा जो फोकस रहेगा वो यूपी पीसीएस और यूपीएससी, दो सब्जेक्टों, दो जो ये हैं परीक्षाएं, इन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। एमपी वगैरह के हैं या बीपीएससी है या राजस्थान का है, और ये सभी, इन पर मेरा फोकस इतना नहीं रहेगा। इनके लिए मैं स्टैटिक जो पोर्शन है जीके वाला वो तो कवर करवा दूंगा, लेकिन आप अगर ये कहें कि ये राज्य विशेष कुछ करवाइए, तो देखिए राज्य विशेष में राजस्थान की के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ। एमपी के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ना ही बिहार के बारे में। मुझे अपने यूपी के बारे में अच्छे से पता है, यूपीएससी के बारे में पता है। तो मैं, मुझे जितना आता होगा मैं उतना ही मैं बोलूंगा, ये मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई मैं, मुझे आरएएस का भी पता है, मुझे बिहार का भी पता है, उत्तराखंड का भी पता है, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, ना बोल सकूंगा। ठीक है, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मुझे यूपी पीसीएस का पूरा मालूम है अच्छे से सिलेबस और क्या क्या है क्या नहीं है ये भी मालूम है मुझे, और यूपीएससी का तो मुझे मालूम है ही है। तो मैं यहाँ पे दो चीजों को फोकस लेकर के चलूंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आप लोगों की बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी मैं प्रदान करूंगा, और अगर मैं कहीं ना कहीं असमर्थ होऊंगा तो मेरे जो सीनियर हैं उनसे मैं आपको मार्गदर्शन प्रदान करने की कोशिश करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।